में पीटा जा रहा है, बस में भरा जा रहा है। बॉस देखिए, जिस तरीके से किसानों के ऊपर दमन चल रहा है, जिस तरीके से जो मुद्दों के लिए आवाज उठा रहे हैं उनका दमन चल रहा है, उसके खिलाफ हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। देखिए सीधी बात है, जब हक के बारे में आवाज उठाई जाती है तब लगातार ये कोशिश की जाती है कि हम अपनी आवाजें उठा ना सके। हमें बता देना चाहते हैं कि हम अपनी आवाजों को उठाएंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक इस देश से जुल्म और सितम खत्म नहीं होंगे। देखिए किसानों की जो मांगे हैं वो मानी जाए, साथ ही साथ सभी को फसल की सुरी मिले। देखिए दिल्ली आना दिया जाना चाहिए किसानों को, उनकी मांगों को मानी जानी चाहिए। और जो बर्बरता पूर्वक अत्याचार हो रहा है, किसानों पर जो हमले हो रहे हैं, न केवल उनको बंद किया जाए बल्कि जो दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस सरकार को हम चेता देना चाहते हैं कि हम आपको चुप नहीं बैठने देंगे, हम तब तक लड़ेंगे जब तक देश के अन्नदाताओं को उनका हक न मिल सके। संघर्ष करेंगे हम लोग और जरूर जीतेंगे। हम चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ ये मानते हैं कि हम उन्हीं किसानों अन्नदाता के उगाए हुए अनाज को खाते हैं। मांग ये है कि किसानों को दिल्ली आने देना चाहिए और किसानों की जो मांगे हैं वो सारी मांगे पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार ने सरकार में आने से पहले ये वादा किया था यदि वो पावर में आती है तो किसानों की सारी मांगे पूरी होगी, MSP का मांग पूरा होगा और जो फसल की सरकारी खरीद है। देखिए हमें ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में 144 है और उसको आधार बना के हमें डिटेन किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है, गैर कानूनी है। आप कभी भी कहीं पे भी 144 लगा दो, हमें नहीं पता कहाँ ले जाएंगे। 8 किसानों को बोरी में बांध के इधर उधर फेंक चुक फेंका जा चुका है, अभी तक पता नहीं चला वो किसान कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर बसों में भरा गया है, जिस तरीके से यहाँ पर इन लोगों को आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार जो अटैक हुआ है।